समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहर गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक नदी किनारे से अवैध रूप से बालू निकाले जाने का विरोध करता हुआ दिख रहा है और कह रहा है कि अगर इसी तरह इस बांध के नीचे से बालू का कटाव होता रहा तो आने वाले दिनों में पूरा नरहर और विभूतिपुर का क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। वह युवक ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि इस अवैध खनन से संबंधित उसने कई बार अंचलाधिकारी विभूतिपुर, अनुमंडलाधिकारी रोसड़ा तथा जिलाधिकारी समस्तीपुर को टेलीफोनिक जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन सभी ने केवल जांच का आश्वासन ही दिया। किसी ने आज तक इस अवैध खनन को रोकने की जहमत नहीं उठाई है। इस युवक ने इस अवैध खनन में स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाया है और सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी से अवैध रूप से काम करना और वह भी थाना क्षेत्र से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, जब तक स्थानीय प्रशासन की इसमें सहभागिता नहीं होगी अवैध काम भी नहीं होगा। हमने जब इस वीडियो में दिख रहे शख्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो करीब 2 घंटे बाद जानकारी मिली कि वीडियो में दिख रहे युवक का नाम गुंजन मिश्रा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने विगत कुछ दिनों से बूढ़ी गंडक नदी से अवैध बालू का खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो गुरुवार 22 अप्रैल 2021 के दोपहर बाद की बताई जा रही है, जिसमें वह बूढ़ी गंडक नदी से अवैध रूप से बालू निकाल रहे लोगों को मना करते हैं, लेकिन बालू निकाल रहा खनन माफिया भाजपा नेता गुंजन मिश्रा को गंदी गंदी गालियां देते हुए उन पर जानलेवा हमला कर देता है तथा 2 टुकड़ा में काट देने की धमकी देते हुए गुंजन मिश्रा के हाथ से मोबाइल छीनकर फेंक देता है, जिस मोबाइल को बालू माफिया का ही कोई आदमी उठाकर अपने पास रख लेता है। इस संबंध में जानकारी के लिए भाजपा नेता गुंजन मिश्रा से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहने के कारण विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह समस्तीपुर जिले का पहला मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन खनन माफियाओं का कुछ नहीं हुआ, उनकी माफियागिरी जो कि त्यों चलती रही। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि खनन माफियाओं ने भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लेकिन प्रशासन इस पे मौन है। अगर आप अपने खेतों से 2.5 से 3 फीट मिट्टी अगर काट लेते हैं तो प्रशासन आपकी ट्रैक्टर को जब्त करके रख लेता है, लेकिन यहाँ पर 25-25, 30-30 फीट गहरा खाई खोदा जा चुका है, प्रशासन को पता है लेकिन प्रशासन एक बार भी नहीं आती है। मैं इसलिए इस बात को रखना चाहता हूं कि यह बांध से मात्र 50 फीट की दूरी पे इतना बड़ा खारा खाई खोदा जा चुका है, जिसके नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया है। नदी और खाई बराबर है, आप कहें तो मात्र ये 5 फीट का, ये सिर्फ एक बांध जो नदी के साइड से है वो बचा हुआ, ये बांध नहीं है। नदी चूंकि बीच में गहरा नीचे चली गई है इसलिए ऊपर से टीला दिख रहा है, और आपको यहां से दिखा दें तो महज 50 फीट की दूरी पे बांध है। अगर आप सोचिए कि बाढ़ पुनः आ गई तो फिर बांध की स्थिति क्या होगी। मैं यहाँ पे जो ट्रैक्टर और जेसीबी ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे कहा, उसने भी कहा कि निश्चित रूप से बांध पे असर पड़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सारे लोगों से कि आखिर हम अपने समाज में इतना बड़ा बड़ा घटिया काम होता देखते रहते हैं और चुप हैं। जब इससे पूछा गया कि ये मिट्टी कहाँ जा रहा है तो इसने कहा कि ये बांध में काम होना है। आइए कि एक तरफ आप बांध को मजबूत करने के लिए दूसरे बांध को तोड़ने का व्यवस्था लगा रहे हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं कि किस तरह यहां से मिट्टी का खनन हुआ है और जमीन कैसे पानी छोड़ा है। मैं ये लाइव आके सिर्फ बताना चाहता हूं। और आप यहाँ समस्तीपुर जिलाधिकारी महोदय, आपको मैंने मैसेज भी किया, और रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी जी, मैं आपसे टेलीफोनिक बातचीत भी किया और आपने कहा कि मैं संज्ञान में लूंगा। मैं विभूतिपुर के अंचलाधिकारी सीओ से मैंने बात किया 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन इसकी जांच मैं डीएम साहब से भी कर चुका हूं। इसकी शिकायत डीएम साहब से सीओ साहब कर चुके हैं, लेकिन ये देखिए कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए कि कितना गहरा खाई है और इसका रेडियस, ये जो गहरा खाई हुआ है लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में ये गाढ़ा खाई हो चुका है, बावजूद इसके अभी भी खुदाई जारी है, जेसीबी लगा हुआ है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, दिन रात
मिट्टी का खनन जारी है। अगर आप इतना बड़ा खड्डा यहाँ कर सकते हैं तो इधर भी आप इधर से मिट्टी काट सकते थे, उधर भी मिट्टी आप ले सकते थे, लेकिन एक ही जगह इतना बड़ा खाई बना दिया गया है जो कहीं ना कहीं अगर बाढ़ आई तो निश्चित रूप से इसका असर बांध पे पड़ेगा, और बांध जब टूटेगा तो बगल में नरहन बाजार है, गांव है, जिसका बुरा असर होगा। ये कहना कितना बुरा असर होगा ये कहना नामुमकिन है। आप देखिए, मैंने कहा था कि मिट्टी कटते कटते जमीन ने पानी छोड़ना शुरू किया, और देख लिए कि ये पानी कैसे निकला है। ये बहुत बड़ा रेडियस है, निश्चित रूप से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये सरकारी कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है। न प्रशासन इसका खबर लेता है, और जब प्रशासन को हमने कहा तो प्रशासन ने कहा कि गलत हुआ है, इसकी शिकायत हम डीएम साहब से किए हैं। तो डीएम साहब, अगर आपको इस वीडियो प्राप्त हो रहा हो और आपको अगर हमने मैसेज किया वो देखे हो तो आप इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा नरहन के लोगों को अगर डुबाने की मंशा हो तो यहां से लेके पूरे बांध को ही तोड़ दिया जाए, तब आपको मजा आएगा कि कैसे लोग बाढ़ में परेशान होते हैं। लोग जब बाढ़ में परेशान होते हैं तो आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरह पटना में जब बाढ़ आई थी तो बड़े बड़े मंत्रियों साहब की हालत पेंट गीली हो गई थी। वही हालत आप गरीबों के साथ करने वाले हैं। गरीब तो भाई मारा है, सब दिन ऐसे ही मरता रहेगा, और आप लोग मलाई मारते रहे, ऐसे ऐसे ठेकेदारों से मलाई मारते रहे, रुपया आराम से ले और जितना हो साला बांध तक कटवा दीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप कहिए, अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप कहिए कि इतना बड़का खड्डा हो गया है कि आखिर ये बांध पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम तो बार बार कहने कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, आपको जहां लगा दिया वहां जाके आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके अंदर मानवता है तो आपको लग रहा है कि वीडियो में बोल देवे तो ठीक है, डाय साला हमारा धो लेते, ये सब बात भाई जी नहीं सोचो, क्योंकि तोरो कहीं घर होता अगर यही स्थिति बनते तो की होता की की कहा की करे छे की बताई, कम से कम रख कदी रखी है फोन रख बताए ना की फोन रख कदी फोन किया रखी बताई ना फोन बताए ना किया बताए ना बताए ना हम फोन रखे बतबे बताइए ना काम नहीं हो घर का हम हमरा पता छे घर का काम नहीं हो रहा है तो आई चलते सरकार का काम छे ना तो सरकार का काम छे तो सरकार सुन हाँ बतबे छो से काम कर हाँ बोली ना हमें दई तोरा भी इक वहीं पर रोक तोरा हम बतबे छो से काम कर जहाँ गलत हो रहे हैं तहाँ जाके देखी एगो 1 करोड़ रुपया के सवाल छे यहाँ बचा के ठेकेदार बेगूसराय के लो जेते एगो एनसी काम नहीं चाहिए यार, ये सरकारी काम नहीं चाहिए। पहले ही आ रहे सुन सरकारी फिर नदी यहाँ रहे वहाँ रहे, ये वीडियो भी बन रहे हैं तो फिर नहीं बंद नहीं कर भैया, गलत हो रहे हैं, गलत का विरोध होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, सीधा बात है। मशीन चालू कर ले गरीब भर ना चल चलो स्टार्ट कर चालू कर कर समझा रही इनका मजाक लग रहा है।